हेलो बच्चों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आया हूँ। तो चलिए लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आज का जो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो देखिए क्या है। यदि आपको इस तरह से कोई दो मैट्रिक्स दी हुई है और एक एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो यदि देखिए इस तरह का सवाल होता है तो उसमें आप क्या करोगे, देखिए दोनों जो मैट्रिक्स हैं, ये वाली और ये वाली मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ये 2x2 की है, ये भी 2x2 की है। अब चूंकि अपन सबसे पहले लाइन तो ये लिखेंगे, चूंकि दोनों मैट्रिक्स जो है दोनों आव्यूह कह सकते हो समान है, तो इनके अवयव भी समान होंगे, ठीक है। अब अवयव में देखिए, आपको ये जो अवयव दिया हुआ है के प्लस 4, वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अब इस समीकरण के अंदर आपको अतः के प्लस 4 बराबर ए, ये एक नंबर समीकरण हो गई। दूसरा क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, ये के माइनस 6, तो ये कौन सा है, यहां है, तो के माइनस 6 बराबर -4 के, तो ये आ गई समीकरण 2। समीकरण 2 से के बराबर क्या आ जाएगा, -4, ये -6, ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो +6, तो के की वैल्यू क्या होगी, 2। अब ये जो के की वैल्यू आई है आपकी, ये के की वैल्यू अब आप क्या लिखोगे, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो k का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 क्या है आपकी, k प्लस 4 बराबर a, तो इससे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 बराबर a। और इसको यदि आप आगे a की वैल्यू लिखना चाहो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका जो सवाल है वो इस तरह से कंप्लीट होगा। तो चलिए बच्चों, आज का दूसरा सवाल भी इसी तरह का एक और देख लेते हैं। उसमें क्या है कि ये भी क्या है, कितनी रो कितनी है, पंक्ति कितनी है इसमें, 3, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो 3x2 की होगी, ये भी क्या है, 3x2 की है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब वही लाइन आप दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स या आव्यूह समान क्रम की है, तो इनके अवयव भी समान होंगे, ठीक है, अवयव भी समान होंगे। तो अब आपको करना क्या है, तुलना करनी है। तो यहां देखिए, जो ये a प्लस बी जो दिया हुआ है वो किसके बराबर है, 6 के, और a और b जो है वो 8 के बराबर भी है, तो अतः a प्लस बी जो है वो 6 के बराबर है, और दूसरा ए बी जो है वो 8 के बराबर है। इस तरह से आपके पास दो समीकरण आ गए। अब देखिए, दो समीकरण है और दो अननोन है, ए और बी का मान निकालना है। अब ए क्या हो सकता है, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, और 4 और 2 को गुणा करोगे तो 8 होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए 4 होगा या बी 4 होगा। तो इसके लिए देखिए एक सूत्र है, द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा होगा कि ए माइनस बी जो होता है उसका सूत्र क्या बनता है,
यदि आपको a प्लस बी पता है और उसमें से यदि, क्योंकि यहां प्लस टू आएगा, यहां आपने 4ab कर देते हैं तो वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। अब देखिए ये मैंने किस तरह से लिखा है, a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसके होल स्क्वायर को खोलोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये द्विघात समीकरण में पढ़ा हुआ है। तो हमें a माइनस बी जो है वो किस तरह से निकाल लेंगे, 36 छ का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ab कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना हो गया 4 अठे 32, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 32 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो a माइनस बी जो है वो आपका क्या आ जाएगा 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, a जो है वो बड़ा होगा। अब आप चाहो तो इसको तीन नंबर देखकर आप कर सकते हो कि a प्लस बी कितना है 6 है, तो इन दोनों, ये एक नंबर समीकरण है ना, तो इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा 2a इक्वल्स टू ये, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 4, तो a की वैल्यू यदि 4 है तो b कितना होगा 2 होगा ना, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी सीरीज के अंदर। इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि 2x2 क्रम का आव्यूह है, एक मैट्रिक्स है A, तो उसके अंदर ए आई जे ज्ञात कीजिए जिसके अवयव ए आई जे जो है वो ये है। अब देखिए कि आपको मैट्रिक्स जो है वो ये कह रहा है कि 2x2 की है, कोई ए मैट्रिक्स है वो क्या है 2x2 की है। अब देखिए इसमें आई और जे, देखिए 2x2 की है तो आई की वैल्यू 1 हो सकती है 2 हो सकती है, जे की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है, ठीक है यहां तक। अब देखिए कि यहां यदि आई 1 है जे भी 1 है तो ये होगा, आई किसके लिए है रो के लिए, ये है पंक्ति कह सकते हो या रो के लिए, और ये कह सकते हो स्तंभ या कॉलम, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, पहली पंक्ति है तो ये फर्स्ट जो है ना वो पंक्ति को बताएगा, तो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है यहां तक। अब आपको क्या करना है, ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ये सब निकालने हैं। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये गिवन है, तो इसको आप ये कह सकते हो कि समीकरण एक है। तो अब क्या करोगे, समीकरण एक से क्या आ जाएगा, ए वन वन जो है मतलब आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो क्या हो जाएगा यहां 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यहां नीचे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, 1 1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से 1 2 जो है वो भी आप निकाल सकते हो, 2 आई की जगह क्या रखोगे, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2 डिवाइड बाई 3 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 5, तो 0 डिवाइड बाई 5 का मतलब क्या होता है 0। तो इस तरह से आपने दो एलिमेंट निकाल लिए। अब अपने तीसरा एलिमेंट जो है वो क्या है,
ए टू वन, तो वो कैसे निकालोगे? सेम इसी तरह से आई की वैल्यू टू, जे की वैल्यू वन, आई की वैल्यू टू माइनस जे की वैल्यू वन डिवाइड बाई थ्री टू प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा? फोर माइनस वन डिवाइड बाई तीन दूनी छह प्लस वन, तो कितना आ जाएगा? थ्री डिवाइड बाई सेवन। अब इसी तरह से ए टू टू जो है वो क्या हो जाएगा? टू टू माइनस टू डिवाइड बाई थ्री टू प्लस टू, कितना हो जाएगा? चार माइनस दो छह प्लस दो, तो ये हो जाएगा टू डिवाइड बाई एट। इसको आप लिख सकते हो वन डिवाइड बाई